अस्सलाम गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज मैं कुछ ये व्लॉग मेरा कुछ डिफरेंट होगा और आज मैं जा रहा हूँ PSL देखने। और आज मैच है क्वेटा और पेशावर का और मैं स्पेशली बाबर आजम की वजह से जा रहा हूँ। और चलते हैं, आपको दिखाता हूँ। अच्छा, जो टिकट्स हैं वो हमने अभी नहीं ली और वो अभी हम रास्ते में लेंगे। और ये मेरे साथ शायान भी जाएगा। और अस्सलाम वालेकुम, जाओगे आप? ये भी मेरी तरह बाबर आजम का बहुत बड़ा फ़ैन है, तो हमने सबसे पहले टिकट उठानी है, उसके बाद हम जाएंगे सीधा स्टेडियम। अच्छा, आपको मैं टिकटें दिखा दूं। तो ये टिकटें हमने 3 ली हैं और बस अभी भी काफ़ी टाइम है और यहाँ पे काफ़ी लोग तो आए हुए हैं। बस हम वेट कर रहे हैं कि कहाँ से एंट्रेंस मिले, और पार्किंग तो बहुत मुश्किल है यहाँ। फिलहाल तो काफ़ी रश बना हुआ है, जिस तरह आप लोग देख सकते हैं। हम काफ़ी देर से भी रोड पर फंसे हुए हैं और मेरे से तो इंतजार नहीं हो रहा था, तो मैं तो पहले से ही मैच देखना शुरू कर दिया। और हम बस एंटर होने वाले हैं, अभी पार्किंग तलाश करनी पड़ेगी जो कि बहुत मुश्किल काम है। बस देखते हैं आगे क्या होता है। तो फाइनली हम अब पहुंच चुके हैं स्टेडियम में, काफी जिद्दोजहद के बाद। और ये सामने, और एक चीज का बहुत अफसोस होगा कि बाबर आजम हमारे आने से पहले आउट हो गया। उससे 50 तो बनाई है, हमने स्कोर कार्ड देखा लेकिन उसको खेलते हुए नहीं देखा। और अभी तो आमिर जमाल खड़ा हुआ है और सूरत हाल हमारे सामने ही बोर्ड है। और सूरत हाल तो ठीक है लेकिन उनकी विकेट काफी गिर गई है, जिसका मसला बहुत है। अभी बॉलिंग आ रही है, बहुत रन जा रहे हैं और ओ शॉट। अभी हमें अपनी लास्ट बॉल रन जा रहे हैं। चांस और हैट्रिक हो गई, हैट्रिक हो गई, हुसैन की हैट्रिक हो गई है। टारगेट मिला है 187 का और अभी प्लेयर्स सारे जो हैं वो ग्राउंड में मौजूद हैं और आहिस्ता आहिस्ता सारे आ रहे हैं और सर क्लीन सेट है। विकेट बिलोंग, अभी DRS हो रहे हैं और ये सारे खड़े हैं अभी और ट्रेल जो भी ले रहे हैं। और लेकिन हालत बहुत ख़राब है, अभी 45 रन पड़ चुके हैं 4 ओवर में। ओ इम्पैक्ट ही बाहर है यार, वापस चलो, इम्पैक्ट ही बाहर है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऊपर से गई है यार, मेरी व्यू नहीं ले सकते।
फिलहाल तो कोयटा का सीन जो है वो बड़ा है फुल, और अभी हम जा रहे हैं घर क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, और अभी हम सीधे घर जाएंगे, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में, और अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।